कोटा रेंज के पुलिस मुखिया डीआईजी ने स्वच्छता अभियान चलाकर पुलिस महकमे के भ्रष्ट और दागदार 38 पुलिसकर्मियों को जिले से बाहर भेज दिया। दरअसल पिछले कुछ समय से पूरे संभाग में तैनात कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ डीआईजी द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों में जांच की जा रही थी। वहीं कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के संगीन मामले विचाराधीन है। ऐसे में अब पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार कोटा डीआईजी रविदत्त गौड़ ने ऐसे सभी भ्रष्ट और दागी पुलिसकर्मियों की सूची तैयार कर उन्हें अपने अपने जिलों से बाहर रवानगी दे दी है। कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी चारों जिलों से कुल 38 दागी पुलिसकर्मियों की सूची बनाकर उनके जिले बदल दिए गए हैं। ये सभी दागी पुलिसकर्मी जांच को प्रभावित ना कर सके, इस उद्देश्य के साथ ये इंटरनल सर्जरी की गई है। सही है, कोटा रेंज में उप निरीक्षक से कांस्टेबल स्तर तक के कुल 38 पुलिस अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनके विरुद्ध या तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई हुई है या उनके अगेंस्ट में आपराधिक अधिनियमों के अंतर्गत मुकदमे दर्ज हैं। उन सभी के लिए पुलिस मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए थे कि जिस जिले में ये पदस्थापित है उस जिले में उन्हें निलंबन काल के दौरान नहीं रखा जाए और उनका निलंबन अवधि के दौरान और उसके पश्चात भी जब तक कि इनके अगेंस्ट में जो केसेज चल रहे हैं वो जब तक केसेज इनके खिलाफ चलते हैं तब तक इनका मुख्यालय परिवर्तित करके किसी अन्य जिले में किया जाए।